जो मेरा काम है, जो भी मैं रिसर्च करता रहा हूं, वो दरअसल ज्यादा इस पर उसकी तवज्जो है कि सवाल को कैसे पूछा जाए, ना कि इस बात पर कि जवाब क्या हो। तो कई बार हम जो है वो सवाल ठीक नहीं पूछते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हम जवाब तक पहुंच जाएंगे। और क्योंकि हम एक ऐसे समाज से आते हैं जो कि टॉकेटिव है, वो ज्यादा बोलने वाला समाज है, तो इसलिए हम सवालों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो इस किताब को लिखने का मकसद यही था कि दरअसल हमारा सवाल क्या है। बुनियादी तौर पे हम ये जानते नहीं है कि हमारा सवाल क्या है। तो मेरे अपने सवाल थे, तो यहाँ इस किताब में मैंने अपने कुछ सवालों को, जिनको बारे में मैं सोचता था एक मुसलमान के तौर पे और एक रिसर्चर के तौर पे, उनको थोड़ा खुरीदने की कोशिश की। और क्योंकि मेरी दो पहचानें बहुत अहम पहचानें हैं, मैं मुसलमान भी हूँ और एक रिसर्चर भी हूँ, तो इनका जो कॉम्बिनेशन था उसने मुझे इस बात के लिए प्रेरित किया कि मैं इन सवालों का जवाब दूं। और उसमें पहला सवाल दरअसल यही था जो आपका सवाल है कि भाई ये जो पॉलिटिकल इस्लाम नाम की चीज है वो क्या है। तो हमारे संदर्भ में, हिंदुस्तानी संदर्भ में, और अगर हम ग्लोबल संदर्भ में देखें भी, तो ये बात हमें बार बार बताई जाती है कि दरअसल इस्लाम अपने आप में इंट्रिंसिकली पॉलिटिकल है। जब भी हम इस्लाम की बात करेंगे तो उसकी जो बुनियाद है वो ही राजनीति पर टिकी हुई है। और राजनीति की जो परिभाषा हमको दी जाती है वो परिभाषा हमेशा नकारात्मक दी जाती है। यानी अगर कोई भी मजहब या कोई भी विचारधारा राजनीति से प्रेरित है तो ये माना जाता है कि उसमें धूर्तता होगी, उसमें कमियां होंगी, उसमें बुराइयां होंगी। यानी जैसे ही इस्लाम की बात की जाएगी तो वैसे ही, जैसे ही हम पॉलिटिकल इस्लाम कहेंगे तो उसका जो तसव्वुर हमारे जहन में आएगा वो तसव्वुर हमेशा जो है वो बुरा होगा या नकारात्मक होगा। मुझे लगता है कि ये गलत है, क्योंकि हर एक संदर्भ में इस्लाम अपने आप को अलग अलग तरीके से परिभाषित करता है, डिफाइन करता है। तो अगर इस नजरिए से देखें तो हिंदुस्तान में इस्लाम को जिस तरह से डिफाइन किया गया है पिछले 150 पौने 200 साल में, तो उससे एक बात तो वाजह है, और खास तौर से 1947 के बाद से, जब से भारत आजाद हुआ है, तब से पॉलिटिकल इस्लाम का मतलब ये कि आखिर क्या हिंदुस्तान की राजनीति ने इस्लाम को बदला है, और क्या इस्लाम का भी प्रभाव भारतीय राजनीति में, आज की राजनीति में है या नहीं है। तो ये तो मेरा पहला सवाल था, और मैंने ये पाया कि दरअसल हिंदुस्तानी राजनीति जो कि हमेशा लोकतांत्रिक रही है, ज्यादा डेमोक्रेटिक रही है, तो उसके साथ में जो इस्लाम यहाँ पनपा है 1947 के बाद, वो काफी मोटे तौर पर डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है। तो पॉलिटिकल इस्लाम की मेरी समझ ये है कि हिंदुस्तान में एक पॉलिटिकल इस्लाम नहीं है, बहुत सारे पॉलिटिकल इस्लाम्स हैं। और इसीलिए जब ये मसला आता है कि सियासी कौन है, तो इसका जवाब मैंने ये बात कहकर देने की कोशिश की है कि जो एक स्टीरियोटिपिकल इमेज है मुसलमान की, मुसलमान को हम ये मानकर चलते हैं, बहुत अजीब बात है, एक तरफ तो हम कहते हैं कि बड़ा पिछड़ा हुआ है और दूसरी तरफ हम ये मानकर चलते हैं कि वो बहुत ज्यादा ज्ञानी है, सब बातें जानता है। तो ये दो बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं, या तो पिछड़ा होगा या फिर ज्ञानी होगा। तो आम तौर पे ये माना जाता है कि वो सियासी है, यानी सियासी मतलब वो अपनी हर चीज के बारे में जानता है, वो अपनी राजनीति के बारे में जानता है, वो वोट सोच समझ कर देता है, वगैरह वगैरह। हमारे सर्वेस के अंदर ये बात भी गलत साबित हुई, जिस तरह से और कम्युनिटीज वोट करती हैं इस देश में वैसे ही मुसलमान भी करते हैं। तो इसका मतलब कहीं पर जो हमारी समझ है सियासी की, वो समझ जो है वो बहुत छोटी समझ है। और उसके लिए मुझे लगा कि इसको एक व्यवस्थित सिस्टमैटिक तरीके से इन दोनों सवालों को पर बात की जाए, और रिसर्चर के तौर पर ये देखने की कोशिश की जाए कि ये जो मायने जिनको लेकर हम चलते हैं क्या वो सही है या गलत। सॉरी, इसके बाद मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो मुस्लिम आइडेंटिटी है अभी रिसेंट रिसेंट इन द सेंस ऑफ स्पेशली आफ्टर 2014, ये जो मुस्लिम आइडेंटिटी असर्शन जो है कम्युनिटी के अंदर वो ज्यादा होता जा रहा है। थोड़ा एक देर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल और इंटेलेक्चुअल्स हु नेम इट एज नो कम्युनल पोलराइजेशन विच इज हैपनिंग इन आवर कम्युनिटी एज वेल। एट द सेम टाइम समवेयर देर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु बिलीव दैट
this is the need of the hour that community should come front and do this political assertion. So this identity politics and all those things. So how we understand, how we look into this, the whole thing of identity politics or Muslim identity in the Indian political arena. देखिए इसकी पहली जो पहला जो इसका मेरा जवाब होगा वो ये होगा कि हम किसी भी बात को इसलिए ना मान लें कि वो पब्लिक स्फेयर में घूम रही है. हमको दरअसल बहुत संभल कर ठहर कर ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि दरअसल पब्लिक स्फेयर में और खास तौर से मीडिया डोमिनेटेड पब्लिक स्फेयर के अंदर जो चर्चाएं चल रही हैं उनके स्रोत क्या हैं, उनके सोर्सेस क्या हैं. जब हम हिंदुस्तानी मुसलमानों की बात करें, चाहे वो अब की बात करें, 2014 से पहले की बात करें या बाद में बात करें, तो हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि हम एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं. ये पॉपुलेशन अलग अलग जबानें बोलती है, मुल्क के अलग अलग हिस्सों में रहती है. ये पॉपुलेशन जो है वो एक दूसरे के मजहब के अकाइद के साथ में भी उनका एक नहीं, यानी एक इस्लाम भी नहीं. तो इतनी डाइवर्सिटी वाली पॉपुलेशन के बारे में अगर हम इस तरह से कहें कि द कम्युनिटी या एक समुदाय, मुझे लगता है वो ठीक नहीं होगा. हाँ, लेकिन इसके बरक्स जो दूसरी बात है वो ये कि जो मीडिया डिस्कोर्स है वो दरअसल मुसलमानों को एक रूप, एक जैसा और जिसमें कोई फर्क ना किया जाए इस तरह से दिखाता है. क्यों? क्योंकि बहुत जरूरी है, अगर मुसलमान को एक रूप नहीं दिखाया जाएगा तो फिर जिस हिंदुत्व की बात की जा रही है उसकी एक रूपता कैसे स्थापित होगी. यानी ये मुमकिन ही नहीं है कि अगर हम ये ना कहें कि सारे मुसलमान एक हैं, इसी तरह सोचते हैं वगैरह वगैरह, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि सारे हिंदू एक हो जाए. तो इसलिए जो हिंदू पोलराइजेशन की जो राजनीति है उसके लिए जरूरी है कि मुसलमानों का एक रूप स्वरूप हमारे सामने रखा जाए. तो पहली बात तो ये है. दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि 2014 के बाद, तो मुझे एकदम से जो मेरे अंदर का रिसर्चर है वो ये जागता है और ये सवाल पूछता है कि क्या ये वाकई सही है. क्योंकि अगर मैं 2014 और उसके बाद में होने वाले तमाम जितने भी इलेक्शंस हुए हैं उनकी सिस्टमैटिक स्टडी करूं, जो मैंने की है और जो कि मेरी आगामी जो किताब आने वाली है आजाद मुस्लिम, उसमें मुझे कतई तौर पे ये नहीं लगता कि जो मुस्लिम एजर्शन है वो एक साथ हो रहा है. बल्कि जिस तरह से मुसलमान 2014 से पहले वोट देते चले आए थे, 2014 के बाद में भी वैसे ही वोट दे रहे हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं पर जो डिस्कोर्स है, जो बातचीत है, जो विमर्श है, जो मीडिया ड्रिवन डिस्कोर्स है, उसके अंदर जिस सच्चाई को हमें दिखाया जा रहा है वो अलग है और जो सच्चाई जमीन पर है, जमीनी है, ग्रास रूट है, वो बिल्कुल अलग है. तो इसमें मैं आपको दो फैक्चुअल एग्जांपल देता हूं. पहला फैक्चुअल एग्जांपल जो है 2014 का है. देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि मुसलमान बीजेपी को वोट देते हैं तो एकदम चौंकाने वाली बात होगी, लेकिन ये सच है. हमारे सर्वेक्षणों में, हमारे सर्वेज में ये बात बराबर आ रही है कि दरअसल 6% मुसलमान बीजेपी को नेशनली वोट देते थे. ये परसेंटेज बढ़कर 8 और 9 के बीच चला गया 2014 में और ये बरकरार रहा 2019 में. तो ये सब्सटेंस है एक चीज का. अब सवाल ये है कि हम इसको क्या ऐसे ही ले लें कि वाकई में 8 या 9% मुसलमान बीजेपी को इस सब होने के बावजूद भी, जो एग्रेसिव हिंदुत्व पॉलिटिक्स होने के बाद भी वोट देते हैं, क्या ये सही है? दरअसल इसीलिए जो सर्वेक्षण होते हैं या सर्वे होते हैं वो हमें नए सवाल पूछने के लिए प्रेरित करते हैं. ये जानना चाहिए अलग अलग जगह पर जाकर कि क्या वाकई ऐसा हो रहा है. तो यही मैंने किया, जो मेरी अभी जो नई किताब आने वाली है उसमें इस पर चर्चा है. तो जब मैं अलग अलग राज्यों में गया तो मैंने देखा कि दरअसल लोग जब अपना वोट देते हैं तो वो पॉलिटिकल पार्टी तो देखते ही हैं, लेकिन इसके बावजूद जो चुनाव होता है, चुनाव के लिए किसको वोट देना चाहिए, वो जमीन पर होता है वो फैसला. इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूएंसी या निर्वाचन क्षेत्र है वो बहुत महत्वपूर्ण जगह है, जहां पर कि आप किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है तय करते हैं. अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें तो और पॉलिटिकल पार्टी से बहुत सारे लोग निकलकर बीजेपी में शामिल हुए हैं. उन लोगों का जो मुस्लिम आधार था वो भी उन लोगों के साथ गया है. तो इसीलिए बहुत सारे कारण हैं जो ये दिखाते हैं कि दरअसल आज जिसको हम कह रहे हैं पोलराइजेशन, वो पोलराइजेशन नहीं है,
बल्कि सर्वाइवल स्ट्रेटजीज हैं। जो आज मुसलमान है, जो मीडिया का डिस्कोर्स है, उसने ये मुसलमान को, एक मुसलमान वोटर को ये प्रेरित किया है कि वो इस बात का फैसला करे कि उसको इस देश में सर्वाइव कैसे करना है, उसको इस देश में जिंदा कैसे रहना है। तो ये तो हुई एक बात। जो दूसरी अहम बात जो आपके साथ, आपके सवाल में है, वो ये है कि दरअसल जिसका जवाब मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिया कि हिंदू कंसोलिडेशन के लिए जरूरी है कि मुस्लिम एकरूपता की बात की जाए। अब अगर हम ये कहें कि मुसलमानों में पोलराइजेशन हो रहा है, तो मुझे इस पर थोड़ा शक है कि मुझे नहीं लगता कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की जिस रूपरेखा के साथ हम चलते चले आ रहे हैं वो हिंदुस्तान के मुसलमानों पर अभी देखने को मिलती है। इसका मैं आपको बहुत सीधा सा एक एग्जांपल बताऊं। असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पार्टी है MIM, उसने बिहार का इलेक्शन लड़ा और मीडिया ने हमको ये बताने की कोशिश की दरअसल कि अगर वो वहां पर चुनाव नहीं लड़ते तो मुस्लिम वोट एक सा रहता और फिर लालू प्रसाद यादव जीत जाते। अब अगर आप आंकड़ों की बात करें तो जो MIM है उसको जो है केवल 1% टोटल वोट मिला है। जिन 5 सीटों पर वो जीते हैं, वो 5 सीटें में, अगर क्योंकि हमने जाकर वहां पर नीचे भी देखा, उसमें मुस्लिम जाति का जो सवाल है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे बिहार में महत्वपूर्ण है जाति का सवाल। इसलिए मुस्लिम जाति के आधार पर वोट पड़ा और जो लोग हारने वाले थे उनमें से ज्यादातर मुसलमान थे, अगर उन 5 सीटों का एनालिसिस मैंने लिखा है इसके ऊपर भी। तो इसका बिल्कुल सीधा सा अर्थ यह है कि जो मीडिया डिस्कोर्स बड़ा बन जाता है वो एक अलग चीज है, लेकिन जो सब्सटेंशियल पॉलिटिक्स होती है वो अलग होती है। इसलिए ये जो बातें, हम, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पोलराइजेशन जैसी बातें, लेकिन अभी तक मुझे ये देखने को नहीं मिल रहा है कि कोई ऑल इंडिया कंसोलिडेशन मुसलमानों का हिंदुस्तान में मौजूद है। सो ये बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, जमीयतुल उलमा है, जमात इस्लामी है, ऐसे जो लार्ज स्केल जो ऑल इंडिया नेटवर्क जो ऑर्गेनाइजेशन के मौजूद है, उसके बावजूद डू दे फेल समवेयर टू द यू नो ब्रिंग ऑल द bring together the community against this whole oppression again, वो लाने के लाने में कहीं ना कहीं ये फेल्यूर हो रहे हैं क्या ऑर्गेनाइजेशन? लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर हम ये क्यों मानकर चले कि हमको एक ही जगह पर आना है। मुझे ये बहुत, क्योंकि देखिए मुस्लिम पॉलिटिक्स के 3 नॉर्म्स है। मैंने अपनी पहली किताब में इन 3 नॉर्म्स को आइडेंटिफाई किया था कि जो मुस्लिम पॉलिटिक्स है वो दरअसल 3 उसके ऐसे नॉर्म्स हैं जो हर कोई पॉलिटिक्स में जिनका इस्तेमाल करता है। पहला नॉर्म जो है या पहला नियम जो मुस्लिम राजनीति का है वो ये है कि वो हमेशा अपने आप को लीगल कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क में रखकर डिफाइन करती है। हर पोलिटिकल पार्टी, जिसमें हर मुस्लिम पोलिटिकल इलीट और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का पहला मत ये होता है कि वो अपने अपने हर एक एजेंडा को कानून की भाषा में सामने रखे, पहली बात। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि वो इस बात की ओर इशारा करे कि दरअसल मुसलमानों की यूनिटी बहुत बड़ी चीज है और कहीं उनका फेलियर है, ये भी एक नॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स है। और तीसरा, मुसलमानों ने बहुत यहाँ पर कुर्बानियां दी हैं, उसकी एवज में उनको माइनॉरिटी राइट्स मिले हैं। ये 3 नॉर्म्स हैं मुस्लिम पॉलिटिक्स के, लेकिन ये तीनों नॉर्म्स जो हैं ये डिस्कोर्स की पॉलिटिक्स में है। जो एक्चुअल पॉलिटिक्स है, अभी ये जो आपका सवाल है नया सवाल नहीं, मुस्लिम मजलिस मुशावरात ने 1966-67 में जो अपील जारी की थी उसमें एग्जैक्टली यही सवाल जो आप पूछ रहे हैं यही सवाल पूछा गया था। इसके बावजूद, और मजे की बात देखिए कि 1967 के इलेक्शन में ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरात ने 132 कैंडिडेट्स को अपना सपोर्ट दिया था, ठीक है, और उनका नारा ये था एंटी कांग्रेसिज्म, हम ऐसे अलग अलग जगह पर जाकर कम्युनिटी को एजुकेट करेंगे कि वो इस तरह से वोट करे कि ऐसे लोग जीते जो कि मुसलमानों के हमदर्द हो। मजे की बात देखिए कि उनमें से केवल 32 जीते, 100 हार गए। वजह बहुत साफ वजह है, वजह ये है कि जो मुस्लिम वोटर है वो वोटर भी है, उसकी केवल मुस्लिम पहचान नहीं है। हम ये मानकर ना चलें कि इतना सब कुछ जो रोज रात को 9 बजे हम देखते हैं उसकी वजह से हर मुसलमान सिर्फ अपनी मुस्लिम पहचान के साथ में आता है, नहीं, वो एक वर्कर भी है, वो एक किसान भी है, वो एक कस्बे में रहने वाला भी है, और वो एक अमीर आदमी भी है, वो एक जात और बिरादरी को मानने वाला भी है। तो इन सब बातों को अगर मद्देनजर रखेंगे तो मुझे लगता है कि ये मुमकिन नहीं होगा कि हम इस चीज को एक जगह पर रिड्यूस कर दें कि कहीं ना कहीं पर ये ऑर्गेनाइजेशन सीन को एक प्लेटफॉर्म पर लाना था। अगर मैं इस सवाल को ही बदल दूं तो देखिए कितना अजीब बात बन जाएगी कि अगर ये सवाल हम विश्व हिंदू परिषद से पूछें
कोई हिंदू ये पूछे कि विश्व हिंदू परिषद जो है उसको तमाम हिंदुओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाना था, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि हम ये कह रहे हैं कि तमाम हिंदू विश्व हिंदू परिषद के साथ जाएंगे और तमाम मुसलमान जमात इस्लामी के साथ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस तरह के सवालों से बचना चाहिए, गुरेज करना चाहिए। मेरा सवाल जमात इस्लामी के साथ है, जमीयत के साथ नहीं। देयर वाज अ एफर्ट टू ब्रिंग दिस यू नो एक कलेक्टिव फोर्स बनाने का, बट दैट कलेक्टिव फोर्स, माय आंसर टू दिस इज वेरी सिंपल। माय आंसर इज दैट व्हाई डू वी रियली नीड दिस कलेक्टिव फोर्स। दिस कलेक्टिव फोर्स इज एक्चुअली एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ इन वैरायटी ऑफ वेज, बी इट वोटिंग और पार्टिसिपेटिंग इन नॉन आइडेंटिटी रिलेटेड इश्यूज। हम क्यों इस बात को भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान सिर्फ एक मुस्लिम पहचान के साथ में नहीं है, वो अपनी जो अमीरी गरीबी की लड़ाई, जो इस देश की लड़ाई है, उसमें भी शामिल होते हैं। अब जैसे कि अब मैं मुजफ्फरनगर की बात करूं, जहां पर कि ये फर्क बिल्कुल, अब मुझे लगता है जहां पर सबसे बड़ा दंगा हुआ 2013, आज वहां पर किसान किसान है, हिंदू मुसलमान नहीं है। और ये पूरा का पूरा जो नैरेटिव है उसको अगर हमने एक जगह पर, ये जो एक रूपता वाली बात है ना, मुझे लगता है कि इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके पूछना चाहिए। आपका सवाल जो है उसका दो लेवल पर है। पहला है डिस्कोर्स के लेवल पर, विमर्श के लेवल पर, बातचीत के लेवल पर। उस विमर्श के लेवल पर जो मीडिया ड्रिवन डिस्कोर्स है उसने ये साबित कर दिया है हमको कि दरअसल ये बड़ी जरूरत है कि मुसलमान एक हो जाए। और मैंने आपको शुरू में कहा कि ये जो एक कलेक्टिव दिमाग में हमारे भरा जा रहा है उसका सीधा रिफ्लेक्शन ये है कि अगर हमने ऐसा किया तो जो कंसोलिडेशन हिंदुओं का होना है वो हो जाएगा। लेकिन हिंदुस्तानी मुसलमान की समझदारी देखिए कि वो इस तरह के एफर्ट से अपने आप को पीछे रखता है। ठीक है, याद रखिए कि हिंदुत्व का फेलियर है, अगर जो एग्रेसिव हिंदुत्व पॉलिटिक्स है वो फेल हो गई है। क्यों फेल हो गई है, उसके कई सारे एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ। पहला एग्जाम्पल जो है वो ये है, जो अभी पीयू का रिलीजन सर्वे आया था उसमें बात बहुत वाजे तौर पर है और मैंने लिखा भी है कि वो इसलिए फेल हो गया कि वो मुसलमानों को टेरराइज नहीं कर पाया, तमाम मुसलमानों को टेरराइज नहीं कर पाया। ठीक है, और ना ही वो मुसलमानों को प्रवोक कर पाया। तो अगर वो हिंदुत्व जो सिर्फ इसी बात पर, देखिए आप जितना खोदेंगे हिंदुत्व, हिंदुत्व की राजनीति को जितना खोदेंगे तो अंत में आपको सिर्फ ये मुस्लिम नफरत निकलेगी और कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है, तो वो मुस्लिम नफरत जो है उसको बहुत सारे और पोर्ट्स में करके आगे परोसा जाता है और पर्पस ये होता है कि मुसलमान उस पर रिएक्ट करे। तो अगर मुसलमान ने एक रूप होकर उस पर रिएक्ट किया तो उनकी बात जो है वो कलेक्टिव सेंस में स्थापित हो जाती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि मुसलमान की बात को दो स्तरों पर किया जाए। एक डिस्कोर्स के लेवल पर, जब ये कहा जाए कि दरअसल मुसलमान इस देश का नागरिक है और उसको अपने जो भी उसके अधिकार हैं उनको इस्तेमाल करने का पूरा अधिकार है, एक ये डिस्कोर्स हो गया। लेकिन जो एक्चुअल पॉलिटिक्स होती है, जो जमीन की राजनीति होती है, उस जमीन की राजनीति में मुसलमान की एक पहचान नहीं होती, वो बहुत सारी पहचानों के साथ में अपनी अलग अलग राजनीतियों के अंदर शामिल होती है। इसी के साथ आपके ये जो सियासी मुस्लिम बुक है उसमें एक चीज आई ऑब्जर्व, कास्ट इस्लाम में कास्ट का या मुस्लिम कम्युनिटी में कास्ट का जो एग्जिस्टेंस है, usually community at large we don't acknowledge that fact. तो अभी बहुत सारे लोग उस पर लिख रहे हैं, पसमानदा movement है बहुत सारे लोग, तो इसके बारे में आप किताब में लिखे हैं, तो ये जो आपका जो मुस्लिम पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंडिंग में ये जो कास्ट है मुस्लिम में, मुस्लिम कम्युनिटी में, ये कैसा रोल, what role did play in molding your understanding about Muslim politics? मेरा जो मैं जो बात कह रहा हूँ, दरअसल हो सकता है कि वो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगे, ये भी हो सकता है कि ये बात थोड़ी अजीब भी लगे, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं एक चीज से बचना चाहता हूँ, मैं पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होना चाहता, और दूसरी बात ये कि मैं बिल्कुल ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि मैं सिर्फ ये कहूँ कि हाय मुसलमानों पर बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है और इसके अलावा हमें कोई बात नहीं करनी। जब तक हम इस माइंडसेट में रहेंगे कि मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहा है और हमें कोई बात नहीं करनी है, तब तक हम कुछ आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये बात वाजे कर देना चाहता हूँ। दूसरी बात ये कि आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के लिए जरूरी है कि हम कॉम्प्लेक्स चीजों को पहचाने, जो चीजें उतनी सिंपल नहीं है जितना कि हमको लगता है, इतना मासूम सवाल नहीं होते हैं ये सब। ठीक है, तो जहां तक आपने ये कास्ट की बात की, तो अब
अब अगर हम ये, इसीलिए मैंने कहा कि पसमंदा राजनीति हमें मुस्लिम राजनीति का एक अन्य चेहरा दिखाती है, एक अलग किस्म का चेहरा वो यहाँ पर दिखाती है। वो क्या दिखाती है कि भाई मुसलमानों में भी, और मुसलमान क्योंकि हिंदुस्तानी मुसलमान है, जाति हिंदुस्तान के राजनीति का एक आधार रही है। तो हम ये कैसे उम्मीद करें, मतलब ये तो ऐसा हो गया कि मैं अपने आम चेयर पे बैठा रहूं और दुनिया में जाकर ना देखूं। हम सभी कहीं ना कहीं पर, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हर मुल्क में, हर समाज में होता है, और वैसा ही सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मुसलमानों में भी है। दक्षिण भारत में उसका चरित्र अलग है, उत्तर भारत में अलग है, जैसे मैंने भी आपके सामने बिहार का जिक्र किया, महाराष्ट्र में बिल्कुल अलग। तो इसीलिए मुसलमानों में अमीर गरीब और जाति, यानी जो ऊंची, अपने आप को ऊंची ऊंची जात के लोग कहने वाले हैं, उनका राजनीतिक रुझान मुझे लगता है कि एक जमाने में अलग था। अब इस वक्त में नहीं है क्योंकि इतना शार्प डिस्टिंक्शन नहीं है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा हमारी सोच में, आपने सवाल अपने आखिरी सवाल के उसमें ही बोला कि हमारी सोच को बदलने में ये इसकी क्या भूमिका रहती है, बहुत स्पष्ट मैं शब्दों में आपसे कहना चाहता हूँ कि जब आप, जिसको हम मुस्लिम समुदाय कहते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी कहते हैं, जब आप उसके अंदर जाते हैं और ये देखते हैं कि दरअसल यहाँ पर भी इलीट है, यहाँ पर भी एक पावर स्ट्रक्चर है, तो आप उस पावर स्ट्रक्चर को अनपैक करना शुरू करते हैं। आप देखते हैं कि आखिर कौन है जो कि मुसलमानों के नेता बन जाते हैं। तो वहां पर मुझे लगता है कि जाति मुसलमानों के बीच में बिरादरियों का होना नॉर्थ में बहुत अहम रोल प्ले करता है, और इसीलिए जो पसमंदा मुसलमान है, जो कि जो ना तो जात के हिसाब से और ना ही क्लास के हिसाब से, ना तो वर्ग के हिसाब से, ना जाति के हिसाब से, वो कहीं ना कहीं पर नीचे है, मार्जिनलाइज्ड। तो इसलिए जरूरी है कि हम उसकी नजर से मुस्लिम सवाल को देखें। अगर हमने एक पसमंदा नजर से मुस्लिम सवाल को नहीं देखा, मेरे एक किताब में औरत वाली बात भी है, तो अगर हमने मुस्लिम औरत की नजर से मुस्लिम राजनीति को नहीं देखा, अगर हमने मुस्लिम क्लास की नजर से या वर्ग की नजर से, अमीरी गरीबी की नजर से मुस्लिम राजनीति को नहीं देखा, अगर हमने जाति की नजर से मुस्लिम राजनीति को नहीं देखा, तो हमारी समझ जो मुसलमान की है या मुस्लिम राजनीति की है वो बहुत लिमिटेड होगी, वो बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं बराबर ये बात कह रहा हूँ कि बेहद जरूरी है कि हम सीधे सीधे सवालों से निकले। हम ये मुस्लिम परस्त सवाल जो है, देखिए याद रखिए, ऐसा नहीं है कि जैसे हिंदू विक्टिमहुड की एक राजनीति चलती है, ऐसे ही एक राजनीति मुस्लिम विक्टिमहुड की भी चलती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इन सवालों से निकलें, और जो कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन हम बात कर रहे हैं 18-19 करोड़ लोगों की, वो अपने आप को किस तरह से देखते हैं, मुझे लगता है कि वो नजरिया अगर हमारा होगा तो हम उस डिस्कोर्स को, उस विमर्श को जो रोज रात को 9 बजे हमें हिंदू मुस्लिम सिखाता है, उससे बाहर आकर ये बता पाएंगे कि दरअसल हमारे इन सब सवालों के जवाब क्या हो सकते हैं। इसके साथ साथ मैं ये, आई थिंक दिस विल बी माय लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम ऑडियंस से क्वेश्चंस लेंगे। ये अभी एज अ कम्युनिटी, या हम द कम्युनिटी विच सचार कमिटी का रिपोर्ट आया है, ये बैकवर्ड कम्युनिटी से भी बहुत पिछड़ा हुआ कम्युनिटी है, हमारा मेजर फोकस कौन से इश्यूज पे होना चाहिए इन 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 अभी के सिचुएशन में, क्योंकि हम बहुत रिएक्शनरी चीजें करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस भी हो या कुछ भी हो, रिएक्शनरी है, बहुत सारे इश्यूज आते हैं तो हम रिएक्ट करते हैं। उसके अलावा हम लोग क्या इश्यूज पे, एज अ कम्युनिटी क्या इश्यूज पे बात होना चाहिए, डिस्कशंस होना चाहिए, डिस्कोर्स होना चाहिए हमारे बीच में, उसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे। ये बहुत जरूरी सवाल है। तो पहले तो मैं ये बताऊं आपको कि ये अक्सर, और सचर कमीशन बहुत अच्छी उन्होंने बातें की हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी सारी बातें बिल्कुल ठीक है। जो कंपैरिजन वो करते हैं, वो कंपैरिजन मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। कंपैरिजन वो करते हैं कि मुसलमान जो है वो एससी एसटी से भी नीचे चले गए हैं। अब सवाल ये है कि क्या उनको हमेशा एससी एसटी के ऊपर होना चाहिए था, एक बात। दूसरी बात ये कि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ बात कि मुसलमान हमेशा से गरीब और पिछड़े थे। वजह कौन लोग मुसलमान हुए, सबसे गरीब तबके हिंदुस्तान के मुसलमान हुए। इसलिए अगर हम ये देखें हिस्टोरिकली, जैसे मुस्लिम रूल की बात की जाती है, वो सब चीजें हैं,
उस जमाने में भी मुसलमान सबसे ज्यादा गरीब थे। तो इसलिए एक हिस्टोरिकल बैकवर्डनेस है, इसको हम ये ना समझें कि 1947 से हम अभी बैकवर्ड हुए हैं। बैकवर्डनेस की अपनी एक हिस्ट्री है, एक बात। दूसरी बात जो है, दूसरा सवाल आपका जो अहम सवाल है कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए, राजनीति का एक पक्ष होता है सामाजिक पक्ष, ठीक है। अगर हमें वाकई में इस मुल्क में इस वक्त की सबसे बड़ी समस्या है विश्वास का खत्म होना, एक। दूसरा, हमारा नैतिक पतन या हमारा मॉरल डिक्लाइन, ठीक है। अब ये बातें आपको सुनने में लफाजी लगेंगी, लेकिन ये बिल्कुल सच है। वजह क्या है कि अगर मैं आपसे कहूँ एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, अगर आपसे मैं कहूँ कि भाई आप जो है वो हॉस्पिटल बनाइए, तो ये मैं कौन बहुत नई बात तो नहीं कह रहा, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, आप कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं या हम सभी जानते हैं इस बात को, तो इसमें कोई नई बात नहीं, ये तो करना ही है। लेकिन ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि हमारा जो इथिकल पोजीशन है बहुत वीक है, ठीक है। मैं देखिए, मैंने ऐसे कहा कि मेरी एक पहचान मुसलमान की भी है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस पहचान से अलग नहीं जा रहा हूं, लेकिन जब मैं मुसलमान की बात करूं या मेरी नजर के अंदर जो मेरा हीरो हो, हीरो मेरे कौन होंगे, मेरे हीरो होंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैं उनकी मोरालिटी देखूंगा, मैं और किसी मुस्लिम लीडर की मोरालिटी नहीं देखूंगा। उनकी नैतिकता क्या है? उनकी नैतिकता यह है कि मैं दूसरों के लिए कितने बेहतर काम कर सकता हूं। ये समाज जो आज हमारा है वो इतना पिछड़ गया है, और जब मैं भारतीय समाज की बात कर रहा हूं तो उसमें सारी कम्युनिटीज की बात कर रहा हूं, ये समाज एक खोखला समाज हो चुका है जहां कोई किसी का देखने वाला नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, सड़क के ऊपर एक एक्सीडेंट हो जाए किसी भी शहर में, ठीक है, उसको हॉस्पिटल ले जाने की बजाय लोग जो है वो वीडियो बनाना क्यों शुरू कर देते हैं, और उसमें आप ये नहीं फर्क कर सकते कि कितने हिंदू और कितने मुसलमान। अगर कोई वहां खड़े होकर ये कह दे कि ये वीडियो मत बनाइए, इसको लेकर हॉस्पिटल जाइए, तो एक मॉरल प्रिंसिपल आपका साबित होगा, ठीक है। हम उस मॉरेलिटी से कहीं दूर चले गए। मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमान, अगर मैं वाकई इस शब्द का इस्तेमाल कर कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को अपनी नैतिकता पर दोबारा जाना चाहिए, अपने समाज को अच्छा बनाना चाहिए। अपने समाज की बात जब मैं कर रहा हूं तो सिर्फ मुसलमानों के समाज की बात नहीं कर रहा हूं, इस मुल्क को अच्छा बनाने के लिए अपने आप को अच्छा बनाना जरूरी है, और उसके लिए ह्यूमन हिस्ट्री कंप्लीट है। तो दो जवाब होंगे मेरे। एक, देखिए जो सोशल सेक्टर है उसमें तो हमें जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, चाहे वो एजुकेशन हो, हॉस्पिटल हो। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मेरे एक दोस्त हैं केरल के अंदर, और उन्होंने मुझको बताया तो मुझे बहुत पसंद वो चीज आई कि भाई पैलेटिव केयर वाला जो उनका है कि जिंदा रहने की उम्मीद नहीं है, हम उनके पास जाकर बैठते हैं, और उसके बाद में जब उनका इंतकाल हो जाता है तो फिर चाहे वो किसी भी मजहब के हों, हम जाकर उनका संस्कार होता है। अगर वो हिंदू है तो, अगर मुसलमान है तो हम उनको कब्रिस्तान में दफन करते हैं, ईसाई है तो दफन करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक एग्जांपल सेट किया। सब चीजों के अलावा एजुकेशन तो आपको करनी ही है, अपने आप को आपको जाहिर सी बात है अपने हॉस्पिटल्स बनाने हैं, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर तो हमें कोशिश करनी ही चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ में अगर हम अपने आप से सवाल पूछें कि हम आखिर वाकई में कितने मुसलमान हैं। मुझे बहुत पसंद है इकबाल का शिकवा जवाब शिकवा, तो जवाब शिकवा में जो अल्लाह के जवाब है मुझे लगता है वो बेहतरीन जवाब है, और वही हमें राह दिखाने वाली चीजें हैं। हो सकता है मैं आपको मौलवी लगूं, लेकिन मैं एक ईमान वाला मुसलमान हूं, और मुझे लगता है कि आखिरी बात तो कहीं आकर वही मोरालिटी पर, ईमान पर टिकती है। अभी हम लोग डॉक्टर साहब से हम सुन रहे थे, तभी जो ऑडियंस हैं तो कोई सवाल है तो मैसेज या पूछ सकते हैं अपना माइक ऑन करके। सो वी हैव 10 मोर मिनट्स फॉर दैट। हेलो, सलाम अलैकुम, मैं अब्दुल रजाक बात करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। मैं हैदराबाद का हूँ मगर फिलहाल अमेरिका में हूँ, अमेरिका से पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। हाँ, मैं आपसे सुन रहा था सब, जैसे हिलाल साहब बोले, आप सब बोल रहे हैं, तो मुसलमानों में यूनिट नहीं है, सब मिलके बीजेपी के खिलाफ वोट नहीं दे रहे, इसलिए बीजेपी के फेवर में भी वोट दे रहे, तो ये यूनिटी लाने के लिए क्या करना, वो एक सवाल। और एक सवाल है, जो अब यूपी में, बिहार में जहाँ मुसलमान है वहां भी बीजेपी जीत रहे,
तो क्या मुसलमान पूरे जो वोट एलिजिबल वोट है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड वोट्स है, वो सब वोट में वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? या और मुसलमान नंबर ज्यादा है मगर जो भी एलिजिबल है 18 साल के लोग हैं वो सब वोट के रजिस्टर कर लिए नहीं कर लिए? तो फर्स्ट वोटिंग में, वोटिंग इज फंडामेंटल राइट, उसमें पार्टिसिपेट करना हमारा फर्ज है, बल्कि हम हमारे लोगों को बताना है। मेरे ख्याल से बहुत गैप है, एलिजिबल लोग बहुत है उसमें रजिस्टर करे सो लोग कम है, और रजिस्टर जो रजिस्टर करे हर एक रजिस्टर करा जो भी वोटिंग नहीं करना, वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। मेरे ख्याल से इसका ये सही है कि आप यूपी में उधर देखे ना, मैं जो बात बोल रहा हूँ वो सही है या मैं गलत बात हूँ? जी बहुत बहुत शुक्रिया रजाक साहब, आप जो बात कह रहे हैं उसमें पहला सवाल तो ये है, देखिए मैंने जैसे कहा कि उनको इन्फॉर्म्ड होकर सवाल अगर हम करेंगे तो हमारे पास में और नई चीज सोचने के लिए आएगी, और आपका सवाल बहुत सोचने के लिए मजबूर करता है, तो उसके लिए सबसे पहली बात बहुत शुक्रिया आपका। मेरा पहला जवाब जो होगा वो ये होगा कि दरअसल जो आप पहला सवाल पूछ रहे हैं कि बीजेपी को वोट करना चाहिए, तो सवाल ये उठता है कि बीजेपी को वोट क्यों नहीं करना चाहिए। मैं आपको डेविल्स एडवोकेट वाली पोजीशन लूं और हम सभी ये सोचें कि आखिर हमारे क्रिटिसिज्म क्या है, हम क्यों खफा हैं बीजेपी। मैं बीजेपी का सख्त मुखालिफ हूँ, मैं बीजेपी का सख्त मुखालिफ हूँ, लेकिन हमको हमारे जो बेसिस हैं वो क्लियर होने चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जो रियलिटी है वो क्या है, आखिर क्यों मुसलमान में, जब मैंने कहा 8% 9% तो इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि 92% तो वोट नहीं करते ना, 92% बीजेपी को वोट नहीं करते हैं, लेकिन वो 8-9% क्यों करते हैं? तो उसके कई सारे वजूहात हैं। पहली वजह क्या है, जैसे मैंने कहा कि मेरा एसोसिएशन किसी एक लीडर के साथ है और वो लीडर कोई दूसरी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गया, जैसे अभी मध्य प्रदेश में, तो मेरे साथ जो लोग जुड़े होंगे वो मेरी शक्ल देखेंगे, मेरी पार्टी नहीं देखेंगे, है ना, तो इसलिए बहुत सारा वोट इस तरह शिफ्ट हो जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तीसरी बात ये कि बीजेपी जो है वो इस वक्त में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन के उभरी है, उसका स्प्रेड बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो इसलिए होता यह है कि जहां जहां वो, अब यहाँ जो मोदी जो बोलते हैं ऊपर, जो नीचे का लीडर है वो अलग जबान बोलता है, जो नीचे जब आके वोट मांगते हैं ना आप, तो आप अलग जबान बोलते हैं, वहां आपकी जात का सवाल उठाया जाता है, वहां आपके बैकवर्डनेस का, आपकी मस्जिद का सवाल वगैरह, तो इसलिए ये हर एक कंस्टिट्यूएंसी में, हर एक जगह पर, स्टेट के लेवल पर, ग्रास रूट के लेवल पर, ये अलग अलग होता है, इसलिए 8-9% वोट उस तरफ ऑल इंडिया लेवल पर चला जाता है। जो आप बात कह रहे हैं रजिस्टर्ड वोट की, वो बहुत अहम बात है, और ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा सवाल है ये कि मुसलमान जो इलिजिबल वोटर है, तो अभी तक हमारे पास में इसको लेकर कोई सिस्टमेटिक रिसर्च नहीं है, लेकिन जो मेरा सेंस है वो ये है कि जो आप कह रहे हैं बात वो बिल्कुल सही है कि इस पर बहुत थोड़ा बहुत इस पर रिसर्च होना चाहिए कि वाकई में जितने एलिजिबल लोग हैं उनका बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन रजिस्ट्रेशन हुआ है, एक बात। हाँ, जहां तक ये बात है कि वो वोट करते हैं, ये इसका मेरे पास में स्टैटिस्टिक है और मैं आपको दे सकता हूं ये आंकड़ा कि मुसलमानों में जो इंथुजियाज्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज्यादा है। हम ये जो कह रहे हैं ना कि मुसलमान अब जो है वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, ये बिल्कुल गलत है। पिछले जितने भी 12-13 इलेक्शन हुए हैं 2014 से लेकर अब तक, उन सबका स्टैटिस्टिक अगर मैं आपको मिलाकर बताऊं, जिस पे मैंने अभी लिखा भी है, तो एक बहुत वाजे बात है कि मुसलमानों ने अभी तक बिल्कुल भी राजनीति से और वोटिंग से, इलेक्शन से अपने आप को परे नहीं किया है। वो बहुत, दे आर वेरी मच इंटू पॉलिटिक्स, दे आर वेरी मच इंटू डेमोक्रेटिक प्रोसेस, तो इसलिए ये बात कहना मुझे लगता है कि सही है कि इंथुजियाज्म बहुत ज्यादा है और रास्ता निकालने का इंथुजियाज्म। सिर्फ ये बात नहीं है कि मुसलमानों के साथ में जो है, जो हम जो जिस लेवल पर बात कर रहे हैं वो है बात, लेकिन जो जमीनी जमीनी जो लेवल है मुसलमान मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का, वो बहुत इंथुजियास्टिक है, उसमें एक इंथुजियाज्म मैं देख पाता हूँ। एक पॉइंट मैं क्या बोल रहा था, वो बीजेपी छोड़ो मगर जो मुसलमान वोट डालना चाहता है एक एक फोकस पे आके नहीं खड़ रहे,
नहीं वो नहीं करेगा, भी है नहीं वो नहीं कभी भी नहीं करेगा। देखिए ये तो हमारी जो अजम्पशन है वो ठीक अजम्पशन नहीं है। अजम्पशन हमारी जो है वो ये है कि भाई आप हम ये उम्मीद क्यों मानकर चले कि सब एक तरह से बोल। अगर मान लीजिए इसी को मैं काउंटर कर दूं, उलट दूं इस सवाल को, और मैं ये कहूं कि सारे मुसलमान एक सी तरह वोट करें, तो अगर मैं ये कहूंगा कि सारे हिंदू एक सी वोट करें, तो फिर तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। सारे हिंदू एक सी तरह से वोट करेंगे, याद रखिए बीजेपी को अभी 2014 वाले इलेक्शन में 33% टोटल वोट मिला था, और उसमें हिंदू वोट जो है वो 33, टोटल 33 नहीं था, उसमें 8-9% मुस्लिम वोट भी था। तो यानी 20-22% हिंदू ही अभी बीजेपी को वोट दे रहे हैं। अगर हम ये कहें कि 80% जो इस मुल्क की आबादी है वो सारी बीजेपी को वोट देना शुरू कर दे, तो मामला फिर गलत हो जाएगा। अपना परफॉर्मेंस ठीक करना तो क्या करना? देखिए अपनी परफॉर्मेंस ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे मैंने ये कहा कि जो पॉलिटिक्स होती है, इसलिए मैंने कहा ना जो मेरे जवाब है वो पॉलिटिकली करेक्ट जवाब नहीं है, वो इनकरेक्ट जवाब है, क्योंकि हमें नई बात सोचनी है। तो इसीलिए ये जरूरी है कि मुसलमान जो है वो सोशल सेक्टर की तरफ ज्यादा ध्यान दें। अगर वो सोशल सेक्टर में अपने आप को कंसोलिडेट करेंगे तो उनके पास पॉलिटिक्स में कोई नई बात कहने के लिए होगी। अब क्या है कि ले दे के हमारी सारी बात सिमट कर रह जाती है सच्चर कमीशन पर। सच्चर कमीशन को आए हुए भी अभी बहुत लंबा अरसा हो चुका है। अब उसके बाद में एक पूरी जनरेशन नए मुसलमान वोटर की आ गई है, वो दुनिया को कैसे देखता है? मुझे लगता है कि उसकी नजर को थोड़ा हम पहले जांच तो लें, क्योंकि अभी तक की जो हमारी बातचीत है उसमें ऐसा लगता है कि सन 47 में जो मुसलमान था आज भी वो मुसलमान है, लेकिन ये जनरेशनल 4-5 जनरेशन का जो गैप है, उनकी सोच उनका नजरिया बिल्कुल अलग अलग है। जब तक हम इस डाइवर्सिटी को नहीं पहचानेंगे, मुझे लगता है कि हम सॉल्यूशन की तरफ। यस, दूसरा कोई सवाल? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अस्सलाम। जी हिलाल अहमद साहब, आपके बाल पूरे काले थे, हमारे भी वैसे ही काले थे। पहली बार आपको देखा था उस दिन, वो तब भी वो डेटा का और वो एनालिसिस का शौक था, और आज तक भी बाकी है, 58 साल उम्र हो गई है। जी आपके वो जो 2-3 पॉइंट्स थे, देखिए नॉर्थ और साउथ में बहुत बड़ा डिवाइड है। नंबर एक, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट साउथ इंडिया के मुसलमानों के इस पर नहीं सही है, वो जो डेटा ये है वो है। ठीक है, अच्छा ही ये गुमान है कि वो सच्चर कमेटी में जितनी नीचे दिखाई गई है उससे अच्छा ये है, एक नंबर एक। नंबर दो, वो जो एंथुजियाज्म होता है ना वो जो वोटिंग का, वो 100% या 80% भी नहीं होता मेरी नजर में। कैसे? जब अगर देखिए फॉर एग्जाम्पल यूपी के, मैंने बहुत स्टडी किया है, मैंने भी जैसे आप ही के, आपसे बड़ा ये नहीं हो सकता मैं, मेरा ये बोला तो मैं तो वो जो एक एक जगह आबादी 50% से भी ज्यादा होती है, यानी रामपुर हो या ये मुरादाबाद हो या और वो उसके अतराफ के वेस्टर्न यूपी के, अब वहां पर 63% 64% जब वोटिंग परसेंटेज होता है ओवरऑल, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमानों ने 80%, अगर मुसलमान 80% अगर कर दें उनकी तादाद से, तो वहां दूसरे का जीतने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि एवरेज 63 तो वो जो ये होता है। और हमारे साउथ में तो अर्बन एरियाज में 50-55%, मैं बैंगलोर का रहने वाला हूँ, यहाँ कभी भी 53-54% से ज्यादा वोटिंग नहीं होती, और उसमें भी ये नजर नहीं आता कि मुसलमानों ने जाके कहीं ज्यादा, अगर मुसलमान कहीं ज्यादा जाकर वोट कर दें ऐसे सूरत में, अगर अपने 80% या 90% कर दें तो कैंडिडेट को जितवा सकते हैं, मगर नहीं होता वो। जी जरा आप इस पर रोशनी डालें साहब। जी नहीं फैजान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए बालों का तो अपना है, वो अपने आप ही काले सफेद जो भी होते रहे, बस मैंने उनको काला नहीं किया तो वो अपने आप ही सफेद हो गए। जी 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 तो नहीं, मैं वो ये बोल रहा था कि आपको कितने जमाने से फॉलो कर रहा हूँ, जब आप बैठ के पुराने जमाने में रविश कुमार के साथ बैठ के वो ये करते थे, तो मैं बोला हमारी कौम में भी एक ऐसा आदमी है, बस अब मिलने का इत्तेफाक नहीं हुआ। जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया। आपका सवाल बिल्कुल जायज सवाल है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसके जो आप खुद ही कह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप कमेंट कर रहे हैं उससे मैं पूरी तरह से मुत्तफिक हूँ, ये बिल्कुल सही बात है। तो मैं ये कहूंगा कि जो मैंने कहा कि एक मैंने जो मेरे वर्ड थे वो ये थे कि मैं ये कह रहा हूँ कि पोलिटिकल इंथुजियाज्म है, और पॉलिटिकल इंथुजियाज्म का मतलब उसको हम कई लेवल पर, जब हम
केवल डेटा के लेवल पर ही नहीं बल्कि कई अलग अलग तरीके से हम उसको मीजर करते हैं. उसके तीन चार हमारे पास में उसके अभी हाल फिलहाल में नई तीन चार रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें मैं भी जिसका एक हिस्सा रहा हूं. तो एक तो है कि हम ओवरऑल अगर मैं पूरे हिंदुस्तान की बात करूं तो ओवरऑल ऑल जो वोटिंग परसेंटेज दोनों तीनों जनरल इलेक्शन में उनमें बहुत साफ एक वाजे तौर पे बात आती है. एक बात तो तय है कि भाई 2014 में हिंदुओं का परसेंटेज बढ़ गया, वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया था. 2019 के अगर मैं कंपैरिजन दूं, इस वक्त मेरे पास में डेटा इस वक्त मुझे याद एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन जितना मुसलमानों का परसेंटेज पहले होता था वोटिंग का वो उतना ही है. तो जो मैं जो जवाब देने की कोशिश कर रहा था, मैं ये नहीं कह रहा था कि इंथुजियाज्म जरूरत से ज्यादा हो गया. मैं कहने की कोशिश ये कर रहा था कि दरअसल जो हमें एक बात बार बार बताई जा रही है कि मुसलमान जो है वो राजनीति से अलूफ हो गए हैं, उनकी कोई दिलचस्पी राजनीति में नहीं रही है और वो सेकंड क्लास उन्होंने अपने आप को मान लिया. मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं क्योंकि मैं गया हूं तो मैं उतनी जगह पर मैंने ये बात पाया है कि दरअसल जो अपने आप को अपनी अपनी नई सराउंडिंग्स में किस तरह से एडजस्ट किया जाए, जो एडजस्टमेंट और सर्वाइवल स्ट्रेटजीज है ग्रास रूट पर, वो बहुत अहम है. बदकिस्मती ये है कि हम उन पर बात नहीं करते. अगर हम उन पर बात करेंगे, जैसे मैंने पैलेटिव केयर वाली बात बताई केरल की, ऐसी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स मुस्लिम कम्युनिटीज में हो रहे हैं लेकिन हम उन मुस्लिम कम्युनिटीज के उन एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बात नहीं करते. मुझे लगता है कि उन पर अगर हम बात करेंगे तो जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के अलग अलग फॉर्म्स हैं उनकी चीजें वाजे हो जाएंगी. हेलो जी, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात से मैं भी मुत्तफिक हूँ. जैसे आपने सर आप बताया जी बीजेपी को हम कैसे डरते हैं, तो हम लोग बंगाल से बोल रहे हैं, मिल्ली बांग्ला यूट्यूब के बंगाल में ममता दीदी अभी सीएम बने हुए, तो अभी उत्तर प्रदेश में अखिलेश के एक मुस्लिम सपोर्ट बेस चल रहा है, लेकिन जो मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी से IUML UDF और MIM और मुस्लिम तरफ से जैसे ISF, तो ये जो पार्टी से ये लोग बात करते हैं कि हिस्सेदारी के बाद हम कैसे समझेंगे को वो जो TMC और समाजवादी पार्टी से थोड़ा बहुत इस भी ध्यान देना पड़ेगा, कैसे हम क्या कर सकते हैं आप जरा बताइए. बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपने ये सवाल पूछा. मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए एक चीज की बड़ी सख्त जरूरत है. जैसे मैंने ये कहा कि आखिर ऐसा क्या है, वो क्या वजूहात हैं कि हमारी बातचीत ऐसी बन गई है कि हम ये दिखाते हैं कि दरअसल बीजेपी मुसलमानों की एक सबसे बड़ी विरोधी पार्टी है और उसको हराने के लिए हमें ऑप्शंस खोलने हैं. मुझे लगता है कि इसको हम इस सवाल को अगर बदल दें और हम ये सवाल पूछें कि दरअसल जो नॉन बीजेपी पार्टीज हैं क्या वो वाकई में सेकुलरिज्म की जिस सेकुलरिज्म पर बात की जाती थी वो अभी तक टिकी हुई हैं या उनका भी रवैया बदल चुका. तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं उन सारे चुनावों में एक बात बहुत बहुत साफ हो गई है और वो ये है कि जो नॉन बीजेपी पार्टीज हैं डिस्कोर्स के लेवल पर उन्होंने हिंदुत्व को अपना लिया है, चाहे वो स्पष्ट तौर पे अपनाया जाए चाहे वो अस्पष्ट तौर पे अपनाया जाए. इस वजह से वो भी ये बात कहने पर मजबूर हो रही है, वो हमें बराबर ये याद दिला रही है कि भाई हम आपकी बात नहीं करेंगे क्योंकि अगर हमने आपकी बात की तो हिंदू वोटर नाराज हो जाएगा. ये बात हर नॉन बीजेपी पार्टी हमें लगातार बता रही है मुस्लिम कम्युनिटीज को. ठीक है, इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब ये है कि हिंदू नाराज होगा. ये आपको कैसे पता कि हिंदू जो है वो सारा का सारा एक तरफा और एक तरीके से वोट दे रहा है? ये सवाल हमें नॉन बीजेपी पार्टी से पूछना पड़ेगा कि आप जो है इस हिंदू जो अपीजमेंट की राजनीति क्यों कर रहे हैं आप. मैं आपको एक उदाहरण देता हूं. अभी हमने प्यू रिसर्च का एक सर्वे था जिसमें हमने 32,000-34,000 लोगों से पूछा था. इससे पहले हमारा एक सर्वे CSDS का एक सर्वेक्षण था 2019 का. एक सवाल दोनों ही सर्वेज में पूछा गया, वो सवाल क्या था कि आप ये बताइए कि हिंदुस्तान किसका है, सिर्फ हिंदुओं का या मुसलमानों का या सबका. ठीक है,
जो 92-93% हिंदू ये कहते हैं कि जी सबका है, और प्यूर रिसर्च वाले सर्वे के अंदर तो ये कदम आगे बढ़ गए, वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई किसी दूसरे मजहब और खास तौर से इस्लाम धर्म की बात को नहीं मानेगा वो अच्छा हिंदू नहीं हो सकता। मुसलमान ये कह रहे हैं कि अगर वो सब मजहबों की इज्जत नहीं करेगा तो अच्छा मुसलमान नहीं हो सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हिंदुस्तान के 92% लोग कह रहे हैं। तो अगर हिंदुस्तान के 92% लोगों को साथ रहने में कोई परेशानी नहीं है तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये इसको मैं एक टर्म यूज करता हूँ पॉलिटिकल क्लास, ये पॉलिटिकल क्लास हमें बराबर ये बताने की कोशिश कर रही है कि दरअसल अब हिंदू जो है वो नाराज हो जाएगा मुसलमान से। अरे भाई हिंदू मुसलमान कोई माइग्रेटेड कम्युनिटी थोड़ी है। 12-14% मुसलमान इस मुल्क के हर एक कोने में हिंदू मुसलमान साथ मिलकर रह रहे हैं और वो हजार साल से रह रहे हैं। तो ये हमें सवाल पॉलिटिकल पार्टी से पूछना चाहिए, खास तौर से उन पॉलिटिकल पार्टी से जो कि नॉन बीजेपी हैं। एक आखिरी उदाहरण मैं आपको बिहार का देता हूं। अभी क्या हुआ, जब ये पूरी बहस चल रही थी कि जाति जनगणना होनी चाहिए, तो इस पर जो नॉन बीजेपी पार्टीज थी बिहार में, उन्होंने एक खत लिखा किसको, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, और उस खत में उन्होंने ये बात वाजे की कि भाई ये जाति जनगणना इसलिए होनी चाहिए ओबीसी में क्योंकि इससे हमें पता लगेगा कि हिंदुओं की कौन सी जातियां पिछड़ी हैं। याद रखिए ओबीसी में मुसलमान भी हैं, तो आप ये शब्द क्यों नहीं कहते कि इससे पता लगेगा कि कौन पिछड़ी हुई जातियों से संबंध रखता है। आपने वहां हिंदू शब्द डाल के ये बात वाजे कर दी कि आप भी राइटिस्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो उसमें कांग्रेस भी शामिल थी वहां पर, और उसके अंदर जो दूसरी पार्टियां थी नॉन बीजेपी पार्टीज, उन सबका ज्वाइंट लेटर था। तो सवाल ये उठता है कि ये सवाल बराबर पूछा जाना चाहिए कि आपके पास में बेसिस क्या है। आप ये बताइए कि हिंदू, आप ये क्यों कह रहे हैं कि अगर मुसलमान की बात होगी तो हिंदू नाराज हो जाए। हम ये सवाल नहीं पूछ रहे, ये सवाल हमको प्रायम सिंह के बेटे से भी पूछना चाहिए, ये सवाल हमको टीएमसी के ममता बनर्जी से भी पूछना चाहिए। ये सवाल पूछने में कोफ्त क्या है कि आप हमें अननेसेसरी डरा रहे हैं। ठीक है, तो आप तो दरअसल बीजेपी चाहते हैं, बीजेपी जीत जाए। डॉक्टर हमारा टाइम खत्म हुआ है, एक्चुअली दो मिनट ही है। सर लास्ट क्वेश्चन आप मैं आगे क्वेश्चन आपका नेटवर्क का थोड़ा दिक्कत आ रहा है, नहीं सुनाई दे रहा है। सर 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 आप आरिस कुछ सवाल बता रहे कि जी जी हाँ वालेकुम अस्सलाम मिल्ली बांग्ला आपका नेटवर्क कोई आवाज नहीं आ रही। हाँ मेरी आवाज आ रही है। हाँ अब आपकी आवाज आ रही है। जी जी, जी हाँ मैं देवी से बोल रहा हूँ। इत्तेफाक से जिस सर्वे का आपने जिक्र किया मैं उसका हिस्सा था, मैं उसी कंपनी में था जिस कंपनी ने, मतलब दो तीन कंपनीज ने किया था। अच्छा। और जैसा आपने बताया कि 92% हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सब लोग यही चाहते हैं कि सब लोग एक साथ रहे, और लेकिन उसके बावजूद भी जो मीडिया जो रोल आज की डेट में प्ले कर रहा है हम सब लोग को पता है, तो उसके लिए आप क्या सोचते हैं कि क्या करना चाहिए मुस्लिम्स को मेनली, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, मैं जो मानता हूं। नहीं आपका आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें जब ये जो और ये क्या करना चाहिए, देखिए ये जो है ना बात कि हमें क्या करना, ये तो हम सबको मिलकर सोचना पड़ेगा, लेकिन मैं सिर्फ अपनी निजी राय आपको बता सकता हूँ। मेरी राय में ये बहुत जरूरी है कि जो जैसे आपने कहा, आप तो खैर ज्यादा अच्छी तरह से जानते ही होंगे अगर आप उसका हिस्सा रहे हैं, मैं उसके एडिटोरियल बोर्ड में था और मैंने उस पर लिखा भी काफी। तो मेरा अपना मकसद ये है कि हम इस बात को ज्यादा वाजे करें कि दरअसल जिस कॉमनलिज्म का डर, जिस सांप्रदायिकता का डर हमें रोज रात को बताया जाता है वो उतना नहीं, वो है ही नहीं। दरअसल ये पॉलिटिकल क्लास का पूरा खेल, ये बातचीत अगर हमने शुरू कर दी ना, मैं सिर्फ सीधी से एक बात, सारा मीडिया धरा का धरा रह जाता है। अगर हम एक डिस्कोर्स, देखिए ये शब्द जो डिस्कोर्स है के मायने क्या होते हैं, जब मैं और आप एक पॉजिटिव बातचीत शुरू कर दें, हम पुरानी और नेगेटिव बात छोड़कर हम एक कंस्ट्रक्टिव बात शुरू करें, और ये कंस्ट्रक्टिव बात बहुत अच्छी बात है, इस सर्वे के अंदर तो बहुत सारी कंस्ट्रक्टिव चीजें निकल कर आई हैं। उन कंस्ट्रक्टिव बातों को अगर हम
इविडेंस के तौर पर पेश करें कि भाई इसका सबूत मेरे पास है, हिंदू मुसलमान साथ रहना चाहते हैं, इसका सबूत मेरे पास है। तो अगर आप इविडेंस बेस्ड की कोई बातचीत शुरू करें, इन्फॉर्म्ड बातचीत शुरू करेंगे, तो बहुत सारी चीजें अपने आप धीरे धीरे, देखिए ये बहुत लंबा प्रोसेस है, हम ये कहें कि हम एक और नया चैनल बना लेंगे, ये सब कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तक सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर ये चीजें एक दूसरे से बातचीत के साथ नहीं आएंगी, तब तक इसका कोई फायदा नहीं होगा। बदकिस्मती ये है कि हम ये बातचीत नहीं कर रहे हैं। ये एक सवाल है अकबर का, ये सवाल मैं पढ़ देता हूं और उसके बाद में मैं इसका जवाब दूंगा। ये कहते हैं कि इन लद्दाख अशिया मेजोरिटेटेड रीजन देर इज अ विजिबल कॉन्टेक्स्ट कोलाइज एज वेल एज कंट्रडिक्शन। आप अगर इस सवाल को मुझे समझा पाएंगे तो हमारे लिए वक्त बच जाएगा। अकबर अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम, थोड़ा नेटवर्क इशू है तो इसलिए मैंने आपको लिख के भेजा था। नहीं, आप बता दीजिए। हाँ, तो एम आई ऑडिबल? हाँ, यस यू आर। ठीक है, तो मैं यही कह रहा था कि जो लद्दाख जो मुस्लिम्स है उनकी जो एक कंटेक्सचुअल जो उनकी यूनिफिकेशन है और साथ साथ एक जगह पे आके उनके अंदर की जो डिविजन्स है वो भी नजर आते हैं हमें। तो अब डिविजन्स पे आए तो हमें ऐसा लगता है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो रहा है। तो उसकी वजह से जो हमारी एक मुस्लिम आइडेंटिटी जो बिल्डअप होता है जो लद्दाख के सिनेरियो में, तो वो एक वीकन हो जाता है। लेकिन उसके साथ साथ जब यूनिफिकेशन की बात करें तो यूनिफिकेशन की वजह से हम ऑर्डरिंग की जो डायलेमा में पड़ जाते हैं, जो नॉन मुस्लिम से उनको ऑर्डरिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से एक इनमिटी सा बिल्ट होते हैं। तो इस सिनेरियो में मैं पूछ रहा था कि मतलब एक आइडियल वे में हमें कैसे, मतलब एक पॉलिटिकल सिनेरियो में हमें कैसे एक्ट करना चाहिए, वेदर इट शुड बी दी प्रेफरिंग दी यूनिफिकेशन और वी शुड फोकस ऑन दी कंटेक्स्ट वेयर जो इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स है उसको खेलना चाहिए रादर देन बीइंग इन दी पेंडोरा ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटीज। तो आप इस पे थोड़ा सा बता दें। बहुत बहुत शुक्रिया अकबर। मेरी जो अपनी निजी समझ है कि मैं हमेशा जो क्या होना चाहिए वाले सवाल से बचता हूँ। मुझे ऐसा लगता है वो सबका सवाल है, क्या होना चाहिए उस पर हम सबको सर जोड़कर बैठना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा। ये मेरी अपनी जो निजी राय है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो जो मेरी निजी राय है वो ये है कि मैं पर्सनली, मुझे लगता है कि जो डाइवर्सिटी का या पावर स्ट्रक्चर का सवाल है वो अहम सवाल है, उसको कभी भी अंडर द कारपेट नहीं रखना चाहिए, ठीक है। आप हमेशा प्रिंसिपल्स, अपने पॉलिटिक्स में प्रिंसिपल्स बहुत मैटर करते हैं। ये जो आज का दौर है उसमें हमें ये लगातार बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल्ड पॉलिटिक्स, यानी जो ऐसी राजनीति जिसमें कि कुछ आदर्श हो, वो बिल्कुल बेमानी हो चुकी है। ये बिल्कुल गलत है, याद रखिए। जो मानव समाज है, जो ह्यूमन सोसाइटी है, वो हमेशा अच्छाई की जीत और बुराई की हार मानने वाली है, ठीक है। तो पहली बात तो जो मोरल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स है वो होने चाहिए, उसके लिए डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो इशू बेस्ड बात है, जैसे मैंने कहा कि भाई मैं अपनी कोई भी पहचान को छुपाना नहीं चाहता, मैं पांच वक्ता नमाजी हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं रिसर्चर भी हूं, मैं इसको जितना वाजे करूंगा उतना मैं ट्रांसपेरेंट हो पाऊंगा, उतनी मेरी पोजिशन ट्रांसपेरेंट हो पाएगी। लेकिन मैं इस ट्रांसपेरेंसी के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा एज ए रिसर्चर, अगर मुझे कोई बात सामने आती है एज ए रिसर्चर भी और एज ए पॉलिटिशियन। अगर मान लीजिए मैं पॉलिटिक्स में भी होता, भी मेरी यही पोजीशन होती कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो सच्चाई है, उससे मैं मुंह ना मोड़ू। अगर ये आपके खास कॉन्टेक्स्ट में, ये जो जिस शिया कम्युनिटी लद्दाख की आप बात कर रहे हैं, अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूं एज ए रिसर्चर, तो मुझे, मेरी दिलचस्पी इस बात में होगी कि वो जो ऑनस्लॉट बाहर से आ रहा है, जो तमाम मुसलमानों को एक ही बॉक्स में रखकर देखने की कोशिश कर रहा है, उनके मायने क्या है इस ऑनस्लॉट के, वो कैसे इसको देखते हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि जो उनकी अपनी प्रैक्टिसेस हैं सोसाइटी के लेवल पर और जो उनके पब्लिक परसेप्शंस हैं, वो अपने आप को पब्लिक में लाके किन्हीं सवालों का जवाब देते हैं,
वो क्या है। अगर हम इन बातों को जान लेंगे तो ये तब हम देखिए इसीलिए जरूरी है कि क्या है व्हाट इज मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि व्हाट ऑट टू बी। तो अगर हमने सिस्टमैटिकली ये जान लिया कि व्हाट इज रियलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी इन अ वेरी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट देन वी विल बी इन अ पोजिशन टू टेक अ प्रिंसिपल्ड पोजिशन। सो दिस इज व्हाट आई फील, ये मेरी अपनी राय है, जरूरी नहीं कि आप मुत्तफिक हो। I think we had a wonderful session with Dr. Hilal Ahmed. मैं फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ, आप हमारे invitation accept किए और it was an eye-opening session for all of us. Thank you so much, Hilal sir, and everybody who participated in and interacted and presented their insightful thoughts and questions. Thank you for one and all, and हिलाल साहब आप इंडिया में ही हैं, आप कहीं कहीं बाहर होते थे कुछ दिन? जी हाँ, मैं बाहर था, मैं हिंदुस्तान में आ गए। जी जी जी, और दिल्ली आए तो मिल जाएंगे इंशाल्लाह। मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल की तरफ सर आप कुछ ऐसा बातें करते हैं, कोई मीटिंग अरेंज कर सकते हैं ताकि हम लोग अच्छा सा कोई सेशन मिल जाएगा तो हम लोग कुछ कर पाए कम्युनिटी के लिए सर नेक्स्ट टाइम। तो इंशाल्लाह हम कंक्लूड करेंगे, अल्लाह ताला से दुआ है कि हम लोग को चीजें समझने और उस चीज के ऊपर अमल करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन वाकु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया डॉक्टर साहब, शुक्रिया, बहुत वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया।